दोस्तों जय माँ गंगे, हर हर गंगे गंगा मैया की जय। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इस समय हर के पौड़ी का आज का ताज़ा नज़ारा, ताज़ा दृश्य, ताज़ा तस्वीर के साथ आप माँ गंगा दर्शन करें। और दोस्तों देखिए आप हर के पौड़ी का आज का खूबसूरत दृश्य। काफ़ी सारे श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं माँ गंगा में स्नान करने के लिए। आज मंगलवार का दिन और देखिए आप अमावस्या तिथि भी है आज, और मैंने आपको बताया भी था। और देखिए आप काफी सारे यात्री पहुंचे हुए हैं, लगभग लगभग पूरा घाट फुल है। देखिए आप यार दोस्तों समय हुआ है, इस समय 11:05 हो चुके हैं। और देखिए आप मैं आपको पूरा घाट का दृश्य दिखा रहा हूं। तो देखिए बहुत सारे यात्री पहुंचे हुए हैं, तो आपको ले चलता हूं मैं आगे। और दोस्तों मैं आपको मौसम बता दूं, धूप लगी हुई है हल्की सी, धूप का ज़्यादा असर नहीं है पर कोहरा लगा हुआ है। देखिए आप और काफ़ी भीड़ है आज, ये देखिए। और पहुंच चुका हूं मैं पुल पर, तो देखिए आप। तो दोस्तों अगर आप आ रहे हैं तो आप मास्क का प्रयोग जरूर करें। और देखिए आप आज काफ़ी भीड़ है, और मौसम मैंने आपको बता दिया है। अगर आप आ रहे हैं हरिद्वार तो देखिए आप पुलिस भी तैनात है, और इस रास्ते आप देख सकते हैं काफ़ी सारे श्रद्धालु लोग आ रहे हैं इस रास्ते भी। ये देखिए आप पुलिस भी तैनात है, और इस रास्ते भी आप देख सकते हैं पूरा काफ़ी सारे यात्री आ रहे हैं इस रास्ते भी। तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था कि आप हरिद्वार आ सकते हैं, और हरिद्वार आप चारों तरफ से आ सकते हैं। और देखिए आप आज की भीड़, ये देखिए, क्योंकि पिछली बार मकर संक्रांति का स्नान पिछले महीने ही मकर संक्रांति का स्नान रद्द तो किया था पर हर की पौड़ी पर स्नान नहीं करने दिया था। पर आप सोमती अमावस्या के दिन काफ़ी सारे यात्री पहुंचे हुए हैं, श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, और इस तरफ घंटाघर घाट की तरफ तो काफ़ी सारी भीड़ दिखाई दे रही है। तो आपको ले चलता हूं मैं आगे। और देखिए आप महिला घाट भी आज लगभग लगभग पूरा फुल है। और दोस्तों जल स्तर की बात करें आज, तो जल स्तर आज थोड़ा और छोड़ा गया है। देखिए आप और जल एकदम साफ है, नीट एंड क्लीन। तो अगर आप आ रहे हैं हरिद्वार माँ गंगा में स्नान करने के लिए, गंगा जल भरने के लिए, तो आप आ सकते हैं। और दोस्तों मैंने आपको टाइम बता दिया है, 11:15 हो चुके हैं, और अभी भीड़ और बढ़ रही है अभी, देखिए आप। तो अगर आप आ रहे हैं तो आप मास्क का प्रयोग जरूर करें, मास्क पहने रखें आप। देखिए आप तो आपको ले चलता हूं मैं आगे। तो आपने देख लिया है मालवीय घाट का दृश्य, महिला घाट का दृश्य, और आपको दिखाता हूँ मैं घंटाघर, ब्रह्मकुंड घाट और नाई घाट का दृश्य। तो चलते हैं आगे और देखिए आज। और दोस्तों आप ये वाला घाट भी देख सकते हैं, ये देखिए आप, ये फुल है आज, काफी यात्री पहुंचे हुए हैं। और दोस्तों ये घंटाघर घाट तो पूरा फुल है आज, ये देखिए आप। और दोस्तों आज का ब्रह्मकुंड घाट का दृश्य देखिए आप, ये देखिए जल स्तर का मैं यहाँ पर। तो श्रद्धालु आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो यहाँ पे जहाँ पे श्रद्धालु बैठे हुए हैं, यहाँ पे रेत की मात्रा थी, उससे बैठे हुए हैं आराम से, यहाँ पे जलस्तर बहुत कम है। तो देखिए आप फोटो शूट करवा रहे हैं। और दोस्तों देखिए आप अस्थिपरवा घाट भी आज फुल है, और नाई घाट यहाँ से पूरा फुल दिखाई दे रहा है। तो आपको उस तरफ से दिखाऊंगा मैं सामने से,
तो देखिए आप, आज पूरा हरकी पौड़ी पूरा फुल है, काफ़ी सारे श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं माँ गंगा में स्नान करने के लिए। ये देखिए आप। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिन लोगों ने किया हुआ है, जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने किया हुआ है, उन सबको धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया हुआ है आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं पहुंच चुका हूँ नाई घाट के ठीक सामने। तो देखिए आप, ये गाड़ी पूरा आज फुल है, देख सकते हैं आप। तो देखिए दोस्तों, ये नाई घाट पूरा फुल है आज, मैं आपको काफ़ी करीब से दिखा रहा हूँ, ये देखिए। और इस तरफ भी देखिए आप, और आपको ले चलता हूँ संजय पुल पर, ये देखिए। इस पुल पर ले जाऊँगा और इस पुल से दिखाऊँगा मैं आपको इस तरफ का दृश्य भी और इस तरफ का भी। और दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं संजय पुल पर, और देखिए आप संजय पुल का दृश्य। तो आपको दिखाता हूं मैं संजय पुल से नाई घाटा पूरा हरकी पौड़ी का दृश्य। और दोस्तों, आप ऊपर से भी देख सकते हैं नाई घाट का दृश्य, देखिए आप। काफ़ी सारे यात्री पहुंचे हुए हैं, काफ़ी सारे श्रद्धालु लोग पहुंचे हुए हैं, जो अपने पितरों के लिए पिंडदान तरवण अष्टा प्रवाह कराने आए हुए हैं आज अमावस्या तिथि पर, देखिए आप। और उसके बाद माँ गंगा में स्नान करने के बाद अपने गंतव्य की ओर, और जो श्रद्धालु पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं घूमने के लिए, बर्फ़ देखने के लिए, तो आप जा सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ, नाइट कर्फ्यू अब रात के 11 बजे से लगेगा, तो आप आ सकते हैं, तो घबराने कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको बता दूँ, रात के 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है, तो 11 बजे मार्केट खुले हुए रहते हैं 10:30 तक 9 तक। वैसे हरकी पौड़ी में जल्दी हो जाता है, पर मार्केट आपको 11 बजे तक खुले हुए मिलेंगे हरिद्वार में, तो आप आ सकते हैं। 11 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू है, ये देखिए आप। तो आपको दिखाता हूँ मैं इस तरफ से हरकी पौड़ी का खूबसूरत दृश्य, ये देखिए दोस्तों आप। ये है अस्थि परवा घाट, तो यहाँ भी देखिए आप। और आज काफ़ी भीड़ है, पूरा घाट लगभग भरा हुआ है, ये देखिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ गंगे, हर हर गंगे गंगा मैया की जय। Thank you.